एक छोटी सी 5 सेकंड की वीडियो आप सोचें, एक दो मुल्क ऐसे हैं जिनमें इतनी टेंशन, अगर वो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई है एक वीडियो 5 सेकंड की और उसने इतना 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 प्यार बांटा है दो मुल्कों के दरमियान, तो आप इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं अपने दोस्त के साथ नथिया गली गई हुई थी, वी वर जस्ट हैविंग फन, मैंने अपना फोन निकाला, मैंने वीडियो बनाए और वो दिन था और आज का दिन। और इसके पीछे एक ही नियत थी, वो ये थी कि ये वीडियो मुझे इतनी मजे की लगी, मैंने कहा कि मैं अपने ब्लॉग पे डालूं, तो जो ये जो उसको वीडियो को देखे, दे एंजॉय, दे हैव फन, दे लाफ। इसके पीछे कोई और मकसद, कोई और नियत, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि जो इसको देखे वो इसको एंजॉय करे। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना मेकअप करती हूँ, और बिकॉज मेरे मैं इस वीडियो के वायरल होने से पहले मैं आई हैव अ ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप मेकअप ट्यूटोरियल्स करें, आप जो मेकअप करती हैं, जो आप लुक्स करती हैं, आप उसको हमें बताएं कि आप कैसे करती हैं, हमें सिखाएं। तो बस मैं प्रोफेशनली नहीं करती, लेकिन जो मैं अपनी लुक्स करती हूँ वो अपनी वीडियो बना के डाल देती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को हेल्प हो सके। तो जहाँ तक मेरे ब्लॉग का ताल्लुक है, कॉन्टेंट क्रिएशन का ताल्लुक है, वहाँ तक तो ऑफकोर्स आई लव डूइंग इट, आई विल कंटिन्यू, I will keep doing it. लेकिन जहाँ तक शोबिज का ताल्लुक है, आगे पीछे वहाँ पे I think just gonna keep doing what I do right. ये मैं हूँ, ये नन ड्रामे की टीम है, और ये नन है जो कभी नहीं सुधरेगी। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, और हम सीरीज का पार्टी कर रहे हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव है, इतना इतना प्यार मिल रहा है सरहद पार, अपने मुल्क से, सरहद पार क्या बल्कि पूरी दुनिया से, मुझे तो हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर जगह से अप्रिसिएशन आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार मिल रहा है, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी वेरी हम्बल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी गुरूर नहीं आया दिल में, ना सोचा है कि यार मैं तो इतनी बड़ी चीज़ बन गई हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं, बस ये प्यार है, अप्रिसिएशन है, अभी भी है, आगे भी रहेगी इंशाल्लाह, एंड आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम हम्बल बियॉन्ड बिलीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली, अल्लाह इज़ बिन वेरी काइंड, मेरी फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ, और वीडियो के वायरल होने के बाद तो जितनी मुझे खुशी है, ऑफ़ कोर्स आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मेरे अम्मा अब्बा को उससे डबल, बल्कि नहीं 100 गुना ज़्यादा खुशी होगी अपनी बेटी को ये इतना देखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज़ बिन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड दे बिन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू। मेरा बैट है, ये पिच है, ये मेरा चक्कर। हम हैं, ये नासिर भाई हैं, और ये हमारी स्कूल की तैयारी हो रही है। कि मैं एक खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे जितने कंटेंट क्रिएटिंग फ्रेंड्स हैं, जितने ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। कोई इतनी ये बिल्कुल भी एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है आई वुड से कि सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है वो इस फील्ड में आ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं आ सकते। ये काम कोई भी कर सकता है, इसमें क्लास का कोई ताल्लुक नहीं। मैं उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनमें टैलेंट है, जिनमें वो पैशन है कुछ करने का, लेकिन जिनको आज़ादी नहीं है करने की, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, मैं उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, और मैं उन वालदेन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को उनकी हदूद बता दें, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, अच्छे बुरे की उनको तमीज़ सिखा दें, और फिर उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको आज़ादी दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। दबा के रखना, किसी की वॉइस को ना सुनना, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, स्पेशली हमारी यंग लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ, देर सो टैलेंटेड, देर